गुड मॉर्निंग ऑनलाइन क्लास CBPS क्लास 6 कंप्यूटर। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे चैप्टर 2, वो आप लोगों का बुक चेंज हुआ है और क्वेश्चन आंसर जो दिए थे चैप्टर 1 का, वो भी हम न्यू बुक से बना के फिर से हम आप लोगों को दिए हैं। पहले वाला जो है देख लीजिएगा, उस वो आप लोगों के बुक का नहीं है। इस बुक का आज हम आप लोगों को दिए हैं क्वेश्चन आंसर बना के, आप उसको फेयर कीजिएगा। और चैप्टर 2 में आज हम न्यू बुक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं जो चेंज होके आया है। ये चैप्टर का नाम है वर्किंग इन विंडोज 10। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का। इट्स जॉब इज टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इसका काम होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। मैनेज इट्स रिसोर्स एंड प्रोवाइड यूजर्स ए वे टू वर्क। मैनेज करता है रिसोर्स और प्रोवाइड करता है यूजर्स ए वे टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। कैसे हम कंप्यूटर पे वर्क करें। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है USA में। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज वाज इंट्रोड्यूस इन 1985। फर्स्ट वर्जन जो है विंडोज का, वो इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में एज विंडोज 1.0। सिंस देन मेनी मोर वर्जन ऑफ द विंडोज सॉफ्टवेयर हैव बीन रिलीज्ड। और उसके बाद धीरे धीरे ढेर सारे वर्जन सब विंडोज सॉफ्टवेयर का रिलीज किया गया। सम आर मेंशन्ड बिलो, जो कि कुछ उसमें से नीचे दिया गया है इस लिस्ट में, आप लोग इस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। विंडोज 1 1985 में हुआ, विंडोज 2.0 1987 में हुआ। इस तरह से विंडोज 10 जो है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये 2015 में हुआ। विंडोज 10 इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन। ये विंडोज 10 जो है ये मोस्ट रिसेंट, मतलब ठीक बहुत अभी का ये वर्जन है ऑफ द मोस्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट वाज रिलीज इन 2015, जो कि रिलीज किया गया 2015 को, और एंड वाज इनिशियली ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज टू लेजिटिमेट यूजर्स। और जो भी यूज कर रहा है विंडोज को, वो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑफ विंडोज 7 एंड विंडोज 8.1। विंडोज 7 या विंडोज 8.1 जो यूज कर रहा है उसके लिए। द न्यू वर्जन कंबाइंस फ्यूचर फ्रॉम दोज टू प्रीवियस वर्जन। कहता है ये न्यू वर्जन जो है कंबाइन फीचर्स है उस दो वर्जन का, टू सूट द यूजर इन ए बेटर वे फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जो कि यूजर के लिए अच्छा है दोनों। किसके किसके लिए, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर एज वेल एज मोबाइल डिवाइस, और साथ ही साथ मोबाइल डिवाइस के लिए भी। द मोस्ट नोटेबल चेंज इन विंडोज 10, ये मोस्ट नोटेबल चेंज जो है विंडोज 10 इज दैट माइक्रोसॉफ्ट रिप्लेस द स्टार्ट स्क्रीन। ये स्टार्ट स्क्रीन को रिप्लेस किया गया टाइल्स फ्रॉम विंडोज 8। टाइल्स जो विंडोज 8 में था, एंड ब्राउट बैक द स्टार्ट मीनू, और स्टार्ट मीनू को
बैक किया गया। दीज चेंजेज मेक दिस विंडोज वर्जन इजियर टू यूज। ये जो वर्जन है विंडोज का, ये आसान किया गया है यूज करने के लिए। इसके बाद है एरो फीचर्स। विंडोज 10 इज ए वेरी पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इंक्लूड्स मेनी न्यू फीचर्स। इसमें ढेर सारे न्यू फीचर्स को इंक्लूड किया गया है टू मेक वर्किंग ऑन द कंप्यूटर ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस, जो कि आसानी से हम वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। उसमें से कुछ हम यहाँ पर जानेंगे। एरो पीक का मतलब होता है, एरो पीक इज ए फीचर दैट इज डिजाइन टू अलाउट अस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर इजीली, जो कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं वो आसानी से होता है। व्हेन मल्टीपल विंडोज आर ओपन ऑन द डेस्कटॉप। हम ढेर सारे विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं एक साथ डेस्कटॉप पे। इसके बाद है शो डेस्कटॉप बटन दैट लाइज एट द राइट एज। ये राइट एज यानी राइट किनारे पर ये बटन होता है ऑफ द टास्क बार इज पार्ट ऑफ द एरो पीक, जो कि एरो पीक का पार्ट होता है एरोपिक फीचर्स का। व्हेन मेनी विंडोज आर ओपन ऑन द डेस्कटॉप, अगर ढेर सारा विंडोज हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप पे, जस्ट क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन। तो हम क्लिक करते हैं शो करने के लिए डेस्कटॉप बटन को। ऑल द विंडोज विल गेट मिनिमाइज। जितने भी विंडोज होते हैं वो सभी के सभी मिनिमाइज हो जाते हैं और एक मेरा विंडोज स्क्रीन पे आ जाता है। एंड वी विल सी द डेस्कटॉप, और जिसको हम देख सकते हैं डेस्कटॉप पे। क्लिकिंग ऑन द शो डेस्कटॉप बटन, क्लिक करते हैं शो डेस्कटॉप बटन को, अगेन विल रीस्टोर, फिर से रीस्टोर करने के लिए। एंड द विंडोज बैक टू द डेस्कटॉप, और विंडोज को बैक करते हैं डेस्कटॉप पे। इसके बाद है टेक्स्ट बार प्रीव्यू इज अनदर एरो पिक। ये दूसरा टाइप का एरो पिक फीचर है इन विंडोज 10 में। व्हेन मेनी विंडोज आर ओपन ऑन द डेस्कटॉप, अगर ढेर सारा विंडोज मेरा ओपन होता है डेस्कटॉप पे, वी कैन हैव ए क्विक व्यू ऑफ व्हाट इज देयर इन ए पार्टिकुलर विंडो। तो कहता है कि आसानी से हम जल्दी से दूसरा विंडो को सिंपल वे में बिना आइकन पे पॉइंटिंग किए हुए हम उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। वी कैन ओपन द विंडो बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टास्क बार प्रीव्यू, और इस तरह से हम विंडो को क्लिक करते हैं, टास्क बार प्रीव्यू करते हैं। अब है एरो स्नैप में कहता है द एरो स्नैप फीचर अलाउड अस टू क्विकली रिसाइज करने के लिए होता है ए विंडो टू कवर द लेफ्ट हाफ और द राइट हाफ ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन पे। दिस स्टेप टू यूज दिस फीचर आर एज फॉलोज। इसको हम कैसे यूज करते हैं, कहता है होल्ड द विंडो फ्रॉम इट्स टाइटल बार। ये विंडोज मेरा टाइटल बार में होल्ड होता है। ड्रैग इट टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, इसको ड्रैग करते हैं लेफ्ट साइड की ओर। व्हेन द पॉइंटर हिट्स द लेफ्ट द एज, जब पॉइंटर हिट करता है लेफ्ट एज को, द लेफ्ट माउस बटन, लीव द लेफ्ट माउस बटन। तो लेफ्ट माउस बटन को हम लीव यानी छोड़ देते हैं। द विंडोज विल स्नैप टू द लेफ्ट एज एंड विल रिसाइज इटसेल्फ टू कवर द लेफ्ट हाफ। ये विंडोज स्नैप मेरा लेफ्ट एज की ओर जाता है एंड विल रिसाइज, और ये रिसाइज हो जाता है खुद से टू कवर द हाफ लेफ्ट हाफ, और कवर कर देता है लेफ्ट हाफ स्क्रीन को। इस तरह से दो पार्ट बनता है लेफ्ट हाफ और राइट हाफ।
इसके बाद है एरोसैक में कहता है एरोसैक अलाउ अस टू क्विकली मिनिमाइज, ये मिनिमाइज करता है एवरी ओपन विंडो, प्रत्येक ओपन विंडो को एक्सेप्ट द वन वी आर सेकिंग, एक जो हम स्क्रीन पर लाए हुए रहते हैं उसके अलावा। द स्टेप्स टू यूज दिस फीचर आर एज फॉलोज, ये स्टेप्स क्या है, कहता है क्लिक ऑन द विंडोज विंडो दैट वी वांट टू कीप ओपन द डेस्कटॉप, क्लिक करते हैं विंडो को जो हम चाहते हैं ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे। ग्रैब इट फ्रॉम द टाइटल बार एंड ड्रैग बैक एंड फोर्थ क्विकली, ये टाइटल बार से हम उसको ड्रैग करके बैक कर लेते हैं आसानी से जल्दी से। ऑल अदर विंडोज एक्सेप्ट द वन वी सूट विल गेट मिनिमाइज, और जितने भी विंडोज होते हैं एक के अलावे सभी के सभी मेरा मिनिमाइज हो जाता है। सेकिंग द विंडोज अगेन विल रिस्टोर, और फिर विंडोज को हम रिस्टोर करना चाहते हैं ऑल द मिनिमाइज्ड विंडोज टू द डेस्कटॉप, तो वो सभी के सभी मेरा डेस्कटॉप पे मिनिमाइज होता है। इसके बाद है सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। और शुरू में मैंने बोल दिया है आपको कि आप लोगों का बुक चेंज हो गया है, पहले जो हम पढ़ाए थे वो बुक चेंज हो गया है। एक्सरसाइज एक चैप्टर वन का हमने क्वेश्चन आंसर आज दिया है, उसको देख लीजिएगा, और चैप्टर टू जो मैंने अभी पढ़ाया ये आपके न्यू बुक से है। थैंक यू वेरी मच।